स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन के साथ एक बार पुनः मैं मनोज सक्सेना आपके साथ हूं और हर बार की तरह मेरे साथ है डॉक्टर सचिन चित्तावार जो कि हमीदिया हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। हमारा हर बार का विषय जो होता है वो डायबिटीज पर केंद्रित होता है। डायबिटीज की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब तो डायबिटीज जब बढ़ती है तो उसका असर शरीर के अनेकों अंगों पर पड़ता है। आज हम जिस अंग की बात करते हैं वो है आंख। तो आंख को कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए कि डायबिटीज का असर आंख पर ना हो? बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। देखिए, हमने सबसे पहले प्रोग्राम में बात करी थी क्रिकेट मैच और डायबिटीज के बारे में। जी देखिए, 2020 का जो मैच होता है जहां पे कई बार 10 के 10 खिलाड़ी आउट नहीं होते फिर भी टीम मैच हार जाती है, डायबिटीज भी एक क्रिकेट के मैच की तरह है जहां पे हर बॉल का महत्व है, हर ओवर का महत्व है और रन रेट का महत्व। अगर डायबिटीज को क्रिकेट की तरह देखें तो खाली पेट चक्कर आपकी 100 के आसपास होना चाहिए। भरे पेट चक्कर जो कि भोजन के 2 घंटे उपरांत ली जाती है वो लगभग 180 या उसके अंदर होनी चाहिए। 3 महीने का एवरेज जैसे आपने हर बार बात की है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जी वो लगभग 7% होना चाहिए। अगर इसको हम रन रेट माने तो अगर इसको ये टारगेट हम अचीव करते हैं, अपनी शुगर इस दायरे में बांध कर रखते हैं तो हम मैच नहीं हारते हैं। पर अब प्रश्न उठता है कि क्या है ऐसा मैच हारने में जिसके लिए आप इतना आगाह कर रहे हैं जी। मैच हारने का मतलब है मुख्य तौर पर 3 कॉम्प्लिकेशंस जिसको हम कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। छोटी धमनियों में शुगर बढ़ने के कारण अगर आंखों के पर्दे में खून उतर गया तो रेटिनोपैथी कहलाएगा, अंधेपन का एक प्रमुख कारण बनेगा। पैरों की नसों में सुन्नपन आ गया, घाव बन गया तो आपके गैंग्रीन बन सकता है, पैर काटने की भी नौबत आ सकती है। वैसे ही अगर गुर्दे में समस्या आ गई, प्रोटीन निकलने लगा और आगे समस्या बढ़ने लगी तो या तो आपको डायलिसिस कराना पड़ता है या नया गुर्दा लगाना पड़ता है। तो आज का जो मुख्य मुद्दा है हम रेटिनोपैथी यानी आंखों की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आंखों में असर होता है उसके संकेत एक मरीज को कैसे मिले? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या होता है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो स्क्रीनिंग होती है डायबिटीज की हर आदमी अपने व्यक्तिगत पैमानों के आधार पर कराता है, फिक्स नियम नहीं है। मान लीजिए आपको आज पता चली डायबिटीज है, हो सकता है कि वो डायबिटीज आपके शरीर में पिछले 5 साल से हो। तो टाइप 1 डायबिटीज जिनको है, जिनको इंसुलिन वाली डायबिटीज है, उनको तो डायबिटीज पता लगने के 3 साल के बाद या 3 से 5 साल के बाद आंखों की जांच नियमित करानी चाहिए। पर 100 में से 90 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। तो टाइप 2 डायबिटीज जैसे ही पता चले तो आपके डॉक्टर का कर्तव्य बनता है कि वो आपके आंखों के पर्दे की जांच कराए, पैरों की नसों की जांच कराए और गुर्दे की जांच कराए। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में जब भी आपको डायग्नोसिस पता चलता है उसी समय हो सकता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस भी आपके साथ में हो। चेहरा देखकर नहीं बताया जा सकता कि आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर साहब, मरीज इस समय हमने देखा है कि बहुत परेशान होता है रेटिनोपैथी के नाम पर, महंगे महंगे इलाज, बड़े बड़े कीमत वाले इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं, ये कहां तक उचित है और जरूरी है क्या? देखिए आजकल क्या हो रहा है कि जनता के बीच में सुविधाएं भी बहुत आ रही हैं, तो स्क्रीनिंग बहुत सिंपल है, बहुत कम दरों में हो जाती है। तो स्क्रीनिंग में कुछ नहीं करना पड़ता, आप कैमरे के सामने बैठते हैं, आपके आंखों के पर्दे का हम फोटोग्राफ लेते हैं, दूर दराज में बैठे हुए अच्छे योग्य डॉक्टर ऑनलाइन ही उसमें रिपोर्टिंग कर देते हैं। मान लीजिए इसमें अगर कोई खराबी आती है तो फिर उसके हिसाब से आपको देखना होता है मुख्य इलाज क्या है उसका। मुख्य इलाज को शुगर कंट्रोल करना है तो आपका शुगर का ही डॉक्टर आपको बताता है कि अब स्थिति आ गई है कि आपको पर्दे की मैंने रेटिना के डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। सीधा ही अगर आप रेटिना के डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार कुछ जांचें अतिरिक्त हो जाती हैं। और फिर रही बात इलाज की, तो इलाज के लिए भी आजकल अंधत्व निवारण के नाम से ही बहुत सारी संस्थाएं हैं। साउथ में तो बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, जैसे पांडिचेरी है, चेन्नई है, बहुत सारे नेत्रालय वहां के फेमस हैं पूरे इंडिया में। उनकी खूबसूरती यह है कि वो यही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट बना देते हैं। अच्छा अच्छा। मान लीजिए आप कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो ये इंजेक्शन 35-35, 40-40 हजार के इंजेक्शन आजकल नए रिसर्च में आया है कि इंजेक्शन ज्यादा फायदेमंद है लेजर के इलाज से जी। तो व्यवसायिक पक्ष अगर हटा दिया जाए तो वो 2-2 हजार में इंजेक्शन लगा रहे हैं। वाह। तो इस तरह की चीजें भी हैं। तो पर सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, सर्वप्रथम ये चीज होना बिल्कुल इसलिए जरूरी है कि काबिल डॉक्टर को दिखाएं, शुगर बिल्कुल नियंत्रित रखें, अपना रन रेट मेंटेन करें। तो मैच हारने की स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। आ गई तो आप अपने योग्य डॉक्टर को दिखाएं, वो हो सकता है कि 100 में से 90% केसेस में केवल शुगर कंट्रोल करके ही आपको बीमारी वहीं रोक देगा। आगे की आवश्यकता होगी तो स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अच्छा सर, लेजर की जहां तक आपने बात की, लेजर ट्रीटमेंट
शुगर का जो पेशेंट है उसके लिए और सामान्य जो पेशेंट होता है, उन दोनों के लिए क्या परिस्थितियां अलग अलग होती हैं इलाज की? देखिए, लेजर फोटोकॉगुलेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी का एक सिद्ध ट्रीटमेंट है, जहां पे क्या कि छोटी धमनियों में जो खून का रिसाव होने लगता है उसके कारण जो पर्दा है जहां इमेज बनती है जी, वो एक ब्लर्ड होने लगता है, वो एक धूमिल होते रहता है, तो जिससे आपकी रोशनी कम होने लगती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में ये खून का रिसाव रोकने के लिए लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है। अन्य और बीमारियों में इसका प्रयोग होता है, जैसे ग्लॉकोमा में होता है, बाकी सब जगह होता है, वो तो अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप है जी, तो वहां उसका उपयोग है। एक चीज का उपयोग एक ही जगह हो ऐसा नहीं होता जी, पर डायबिटीज में क्यों होता है ये बिल्कुल स्पष्ट है। और फिर इसके अलावा आपको अब भी जब भी हो जाए तो आप अपनी शुगर कंट्रोल करें, उसको एक सीमित दायरे में बांधें, अच्छा, बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है। एक ये बात आती है कि डायबिटीज जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है तो उसका असर गुर्दे पर होता है, फिर हार्ट पर भी होता है, आंखों पर भी होता है, इसका कोई पैमाना निश्चित है कि इस स्तर पर अगर डायबिटीज आपकी आती है तो ये अंग प्रभावित होगा, इस स्तर पर अगर आते हैं तो ये अंग प्रभावित होगा? देखिए, जितने भी शोध आए हैं कि शुगर कितनी रखनी चाहिए, वो शोध जो है, सिद्ध शोध जो है जी, वो रेटिनोपैथी के आधार पे ही हुआ है कि इतनी शुगर, खाली ब्लड शुगर है और आपके फंडस में रेटिनोपैथी के चेंजेस आने लगे हैं, उसके आधार पे ही पैमाने बने, जिसलिए फिर ये हुआ कि डायबिटीज 126 से ऊपर शक्कर हो जाती है खाली पेट तो हम डायबिटीज बोलने लगते हैं, भोजन के उपरांत 2 घंटे के बाद 200 के ऊपर शक्कर होने लगती है तो हम डायबिटीज बोलने लगते हैं, HbA1c अगर 6.5 से ऊपर हो जाए तो हम डायबिटीज बोलने लगते हैं। ये सारी चीजें आंखों की प्रॉब्लम को देखते हुए ही आई है, तो ये पैमाना, तो डायग्नोसिस का पैमाना भी आंखों से आया, तो ट्रीटमेंट का पैमाना भी इसी से आया है, इसी से आया हम HbA1c से जोड़ते हैं कि HbA1c लगभग आपका 6.5% के अंदर है तो डायबिटीज नहीं है, 6.5 के ऊपर है तो हम डायबिटीज बोलने लगते हैं, अब 5.7 से 6.4 के बीच में तो हम बोलते हैं डायबिटीज होने की संभावना वाली स्थिति, प्री डायबिटीज जी जी। तो प्री डायबिटीज और डायबिटीज की स्थिति यहाँ है, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो हमें HbA1c अगर पैमाने के तौर पर रखें तो हमारा HbA1c 5.5 के अंदर होना चाहिए, और इलाज जिनका चल रहा है तो उनका पैमाना 5.5 नहीं हो सकता जी, वहां हम देखते हैं कि कितना कंट्रोल, कितने दायरे में कंट्रोल रखकर ये कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उसका पैमाना है 7%, यंग लोगों में 7%, जो 60-65 साल के ऊपर के लोग हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, 80 साल के इंसान है, तो उनको हम 7% नहीं रख सकते जी, वहां पे फिर हमें 7.5-8% रखना होता है, तो ये आपके विशेषज्ञ का काम है कि इसको इस तरह से नियंत्रित करें कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना झेलना पड़े। जाहिर सी बात है, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आपको डायबिटीज के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो शीघ्र अपने पास जो भी योग्य चिकित्सक उनसे संपर्क करें और इसका विधिवत इलाज लें। लेकिन बात यहाँ यह आती है कि यह स्थिति बने ही ना, इसके लिए मैं पुनः आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे जो श्रोता है बराबर उनको हम यह जानकारी देना भी चाहते हैं कि वो ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो, उसके लिए वो क्या क्या करते रहें। देखिए, ये हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, और बिल्कुल मैं तो कहता हूं आप हमेशा ये प्रश्न पूछें, बात वही है, डायबिटीज का इलाज बड़ा इलाज नहीं, ये जीवन से जुड़ी हुई बीमारी है, तो उत्तर भी जीवन से ही निकलेगा जी। सुबह उठिए, नियमित व्यायाम करिए जी, शाम को समय निकालिए, थोड़ा समय चुराइए पैदल चलने के लिए, भोजन में ऐसा परिवर्तन करें कि आपको जितनी भूख है उसे 2 रोटी कम खाइए, सलाद और सूप का अधिक सेवन करें, जीवन में खुशियां अपने आप आने लग जाएगी, जितने भी टेंट फूड हैं, पैकेट फूड हैं, कभी कभार खाइए, रोज रोज मत लीजिए, फिर जब डायबिटीज हो जाती है तो अपने एक विशेषज्ञ से नियमित सलाह में रहिए, ये मत सोचिए कि हर बार वो आपकी दवाओं में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, पर अगर ये क्रिकेट का मैच है और वो रन रेट बनाए रखने में मदद कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, सच बात, तो जिससे आपको भविष्य में मैच आने की स्थिति मनी रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी नहीं होगी, तो बहुत सरल सा इलाज है, इसलिए क्रिकेट को जोड़ा क्योंकि क्रिकेट भारत में जनमानस में बैठा हुआ है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि रन आउट होना बहुत खराब है, हमें अपना पूरा जीवन स्वस्थ तरीके से जीना चाहिए, और कहते हैं ना कि स्वस्थ जो जीवन होता है वो आनंदित जीवन होता है। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो टिप्स दी जाती हैं उनका पूरा उपयोग करेंगे। नमस्कार।